सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। लॉकडाउन के चलते करनाल पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस ने शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला। MH1 प्राइम के संवाददाता कमल कुमार ने DSP हेडक्वार्टर वीरेंद्र सैनी से खास बातचीत की। देश भर में लॉकडाउन चला हुआ है, बात करें तो करनाल की, करनाल पुलिस जो है पिछले दो दिन से काफ़ी सख्त नजर आ रही है। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और जो लोग जरूरी कामों से निकल रहे हैं उन्हें समझाया बुझाया जा रहा है, अन्यथा लोगों के चलान किए जा रहे हैं, कई लोगों की गाड़ियाँ भी इंपोर्ट की है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय करनाल के DSP वीरेंद्र सैनी जी बने हुए हैं। सर, क्या कहेंगे, करनाल पुलिस किस तरह की व्यवस्था कर रही है, लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें जैसे कि आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों जो लॉकडाउन था वो संपूर्ण देश में 3 मई तक बढ़ा दिया गया है और उसी की पालना के लिए करनाल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और करनाल पुलिस की तरफ से जैसे कल भी आपको पता है कि पूरे शहर में रूट मार्च किया गया, फ्लैग मार्च किया गया और आज भी पूरे शहर के अंदर फ्लैग मार्च किया गया है और ये कंटिन्यूसली जारी रहेगा। सर, कुछ लोग मान नहीं रहे, अभी भी सड़कों पर हैं, हालांकि इस पुलिस द्वारा काफ़ी प्यार से आराम से समझाया बुझाया जा रहा है, कई लोगों के चलान वगैरह भी, कितने लगभग अभी तक चलान किए गए, कितने मामले दर्ज किए गए आपकी नॉलेज में? मैं अभी आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे पाऊंगा, चालान तो काफ़ी संख्या में हैं लेकिन गाड़ियाँ इम्पाउंड भी 1000 से ज़्यादा हो चुकी हैं, 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ इम्पाउंड हैं और 100 से ज़्यादा व्यक्तियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और लगातार अन्य सेक्शंस में भी कार्रवाई चल रही है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है लोगों से कि जिस अनुशासन से उन्होंने पहले लॉकडाउन का पालन किया, अब जो 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है फिर उस तरीके से लॉकडाउन का पालन करें, करनाल पुलिस किस तरह की अपील करना चाहिए हम लोगों? आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से करनाल की जनता से अपील करना चाहेंगे कि करनाल की जनता ने एग्जम्पलरी काम किया है, पहले लॉकडाउन में भी और दूसरे लॉकडाउन में भी बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें। हम उम्मीद करते हैं कि आज जैसे कोई भी केस पॉजिटिव नहीं है करनाल में, अगर एक हफ्ता अगर यही स्थिति रही, कोई केस पॉजिटिव नहीं आया, तो करनाल के प्रशासन की तरफ से काफ़ी ढीले आम जनता को दी जा सकती है। हालांकि पर्सनल सवाल है, पूछना नहीं चाहिए सर, आप अपनी फैमिली को कितना समय दे पाते हैं, आपके साथ साथ अन्य पुलिसकर्मी भी है, चाहे वो छोटे स्तर के हैं बड़े स्तर के अधिकारी हैं, लगातार नाकों पे कहिए या सड़कों पर कहिए ड्यूटी तैनात दे रहे हैं, किस तरह परिवार को मैनेज कर पाते हैं, कितना समय दे पाते हैं, क्या कहना चाहिए? सच्चाई तो ये है कि जी मेरे बच्चे छोटे हैं, 1 6 साल का 1 9 साल का, तो मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि सुबह जिस टाइम निकलता हूँ वो सो रहे होते हैं और जिस टाइम घर पहुँचता हूँ रात को तब भी वो सो रहे होते हैं, सारा दिन हम फील्ड में रहते हैं तो समय तो दे ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें खुशी है कि हम करनाल को इस महामारी से बचा पाएं तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी होगी, उसके बाद हम अपने परिवार को समय दे पाएंगे। सर, तुम्हें तो हमारे साथ करनाल के DSP वीरेंद्र सैनी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से लॉकडाउन का पालन जनता ने पहले से किया है, अब जो 3 मई तक का लॉकडाउन है फिर से एक बार जनता उस अनुशासन का पालन करे और लॉकडाउन का भी पालन करे। करनाल से अपने सहयोगी कैमरामैन विशाल के साथ करनाल से कमल की रिपोर्ट।